है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पकवान। आज हम बनाने वाले हैं बाजार जैसी लौकी की बर्फी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने दो लौकी ली है, इसका हम छिलका उतार लेंगे। इन्हें अच्छे से धो लेंगे और बीच में से कट कर लेंगे। अब जो लौकी का बीज का पोर्शन होता है उसे निकाल लेंगे हम कुछ इस तरीके से। अब लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ मैंने दोनों लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसे निचोड़ लेंगे अच्छे से और छलनी पर रख देंगे ताकि इसका सारा पानी अलग हो जाए। आप देख सकते हैं पानी अलग हो चुका है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसे गर्म कर लेंगे और इसमें लौकी को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने देसी घी यूज़ किया है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। ऑलमोस्ट 7 मिनट बाद हम इसमें 1/2 कप चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब वापस इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि चीनी मेल्ट हो जाएगी। 10 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम ग्रीन फूड कलर डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसका पानी सूख जाएगा तब इसमें हम मावा डालेंगे। यहाँ मैंने टोटल 1/2 किलो मावा डाला है। आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से पूरी तरह मिक्स हो चुका है। यहाँ मैंने 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर और डाला है ताकि अच्छा कलर आए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 7 से 8 मिनट पका लेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने ट्रे लिया, इसे हम घी से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से अच्छे से। जब मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ मैंने इस पे बादाम की स्लाइस डाली है। कटे हुए पिस्ता डालें इस पर। अब इसे 10 मिनट के लिए ठंडी जगह पर रख देंगे सेट होने के लिए। अभी अच्छे से सेट हो चुकी है, हम इसके पीस कट कर लेंगे। अब इसके बर्फी की शेप में पीसेस कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और लीजिए, तैयार हो चुकी है हमारी लौकी की बर्फी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।